आखिर क्यों यहूदी लोग मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां थर्ड टेंपल यानी हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं? इस मुकद्दस जगह को, जिसे हम बैतूल मुकद्दस के नाम से जानते हैं, इस शहर को हजरत याकूब अलैहि वसल्लम ने बसाया था और इसी शहर में हजरत दाऊद अलैहि वसल्लम ने अपना एक बहुत ही आलीशान महल बनाया था, जो बहुत ही बड़ा और आलीशान था। और इसी महल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद अक्सा को बनाया था। और यहूदी, जो हजरत याकूब अली वसल्लम के बेटे यहूदा के नस्ल से हैं, इनकी नाफरमानियां इतनी बढ़ गईं कि ये लोग अल्लाह के नबियों पर जुल्म करने लगे। अल्लाह के कितने नबियों को कत्ल कर डाला। फिर इन पर अल्लाह का अजाब आया तो ये पूरा शहर दो बार बर्बाद हो गया। मगर हजरत उमर के दौर में जब इस शहर को दोबारा फतेह किया गया तो फिर से मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई गई। और यहूदी लोग जिस दीवार की पूजा करते हैं, उनका मानना है ये हैकले सुलेमानी का बचा हुआ आखिरी दीवार है। इसीलिए यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। उनका ये मानना है अगर उनके मसीहा दज्जाल को लाना है तो हैकले सुलेमानी को दोबारा बनाना होगा।